लॉलीपॉप चूसने लगा, लॉलीपॉप नजर आता है, हम लोग लॉलीपॉप नहीं चूसते हैं। लोग कह रहे हैं कि अगली बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं लेकिन मुख्यमंत्री जरूर बनेगा, ये जान लीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। क्या होता है जी, आप समझिए, अब समझदार आदमी के लिए सारा काफी है। सब कुछ किए, आपको नौकरी दी है, नौकरी आपका अधिकार दी है। सुनिए, बात विवाद हो रहा है मेरे, ठीक है, जिंदाबाद रहेगा। 15 साल रहा ना गठबंधन का सरकार, 15 साल में क्या उखाड़ लिया नीतीश आपका, क्या उखाड़ लिया? जंगल रास्ता, इधर मर्डर, उधर मर्डर, उधर गैंग, उधर लड़की उठ रही है, उसकी बेटी घर से निकलने से डरती थी भैया। खाप महावीर मंदिर में क्रिया कि तेजस्वी यादव के राज में काम नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि सिचुएशन के अनुसार बदल जाना है ना, ये ना सीबीआई के हेड हैं जिनको पता, खाली बेरोजगारी कितना है पता है, बेरोजगारी कितना है पता है, नीति आयोग की रिपोर्ट पता है, अनपढ़ जाहिल से डिबेट करना मूर्खता है, ठीक ना, उनको कुछ ना पता है बेरोजगारी का होता है। अभी देश में लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के खत्म होने के बाद बिहार के लोगों की जो नजर है वो बिहार विधानसभा पे है। 2025 में जो है कि बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन उसकी चर्चा अभी से शुरू हो गई है कि आने वाले समय में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके बागडोर में जो है कि बिहार का भविष्य संवारा जाएगा। अभी पटना के लोगों से जानते हैं क्या लगता है 2025 का चुनाव किस विश्वास पे लड़ा जाएगा, किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा और कौन बिहार का भविष्य होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। भैया बिहार के इस बार अच्छा बहुत कुछ मिला है, एक काम होता ना, बहुत कुछ मिला है केंद्र के द्वारा, बहुत कुछ मिला भैया, नीतीश कुमार ने दिलवाया है, नीतीश कुमार बहुत कुछ किया है। तेजस्वी जी कह रहे कुछ नहीं मिला, लॉलीपॉप मिला है, तो उनको लॉलीपॉप ही नजर आएगा, लॉलीपॉप चूसने लगा, लॉलीपॉप नजर आता है, हम लोग लॉलीपॉप नहीं चूसते हैं। नीतीश कुमार को जो बैठाया ना सीट पे जनता ने, सोच समझ के बैठाया है, कहा ना आरजेडी की सरकार एक बार रह पा रहा है, आता है निकल लेता है। नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज का दर्जा नहीं दिलवा पाए तो 60,000 करोड़ से क्या होगा, क्या होगा विशेष राज दर्जा दे दे तो क्या हो जाता बिहार को, विशेष राज का दर्जा मिल जाता तो क्या कर लेते हैं आरजेडी वाले। ये 60,000 करोड़ मिला है, इसे क्या नहीं मिलेगा भैया, हॉस्पिटल बनेगा, सड़क बनेगा, गाँव गाँव में बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, शिक्षा के लिए अच्छा बनेगा, ये सब भैया नजर नहीं आ रहा है, पैसा तो बन जाएगा। गजब बात करते हैं, तब बीजेपी को टारगेट कर रहा नीतीश कुमार को। अरे भैया देखे, जो काम जिसको काम नहीं आता भैया वो दूसरे को बोलता है, अगर हमको काम नहीं आता है आप काम करते हैं, हम आपको बोलवे करेंगे, ये बिहार का नेचर है। अब बिहार, लालू प्रसाद बिहार में ही जन्म लिए हैं, अपने बच्चों बिहार में दिए हैं, इसलिए उनका शिक्षा यही है कि भैया हम दूसरे का काम खराब करेंगे, अपना काम करेंगे नहीं। तो बिहार का भविष्य इस बार कौन होगा? नीतीश कुमार मतलब नीतीश कुमार के ही चेहरे पर जो है कुछ। बिहार में बाहर है तो नीतीश कुमार है, बिहार में रोजगार है तो नीतीश कुमार है, सब चीज जान लिए, जो है बिहार में नीतीश कुमार है। अच्छा ये बताइए हमको, जवाब पूछे पलटू किस हिसाब से पूछे तो? अरे हम क्या बताएंगे, बस हो गया, ये लोग आज हम पीठ पीछे बात करने वाले हैं, सामने तो आएंगे नहीं कैमरे पे, आके हमको आप बता दीजिए। अपना राज के हित के लिए सोचता है, राज के नहीं पलटाता है, सवाल पूछ रहे ना पलटू किस, आज उसको पलटू बोला जा रहा है, पलटू बोलना है तो आप तेजस्वी यादव पलटू इसलिए पलटू अपना राज के लिए सोचता है। पलटू कैसे हुए, वो तो आज तक मुख्यमंत्री के अलावा बन में नहीं किए, तो पलटू कहाँ से हुए पहले ही बताइए हमको। लोग कह रहे हैं कि अगली बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं लेकिन मुख्यमंत्री जरूर बनेगा, ये जान लीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। क्या होता है जी, आप समझिए, अब समझदार आदमी के लिए सारा काफी है, इतना जान लीजिए। अभी बोल दिए, एक के झटका में तो हिला दिया पूरा तख्ता, 300 पार 400 पार कर रहा था, कहाँ किया आप? एक मिनट रुकिए, हम जवाब दे इनको, 400 हाँ एक मिनट नहीं हुआ, अरे भैया सुनिएगा, 400 पार का नारा इनको याद है, लेकिन ई नारा याद नहीं है कि तीसरी बार मोदी सरकार भी नारा हुआ था, ये कहे नारा भूल गए, कहे नारा भूल गए, और जहाँ तक बोले 400 पार का तेजस्वी यादव बोले थे, अरे हम लोग 300 पार हो गए, काम बोले 250 तो पार हो भी नहीं किया और 300 पार होने का सपना देख रहा था, कहाँ से हो जाएगा भैया, इनको ये याद है नारा ये भी था कि तीसरी बार मोदी सरकार, अरे कितना कुत्ता मिल गया, शेर अकेले ही अभी भी राज कर रहा है, जान लीजिए आप लोग ऐसा बात बोल रहे हैं। नीतीश के आगे पीछे ना चलाए भैया, आप हमको दे दीजिए, मेरे में समर्थन करिए, कौन नहीं किया, किया? उसका, उसका सीट काम आया ना, अच्छा तो आज ही बोल रहे हैं, आज ही बोल रहे हैं, आज ही बोल रहे हैं, तो ये बताइए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ काहे प्राइवेट जेट में गए थे दिल्ली भैया, वो भी तो गोल्ड पर गए थे तेजस्वी यादव के, नीतीश कुमार के, चाचा मेरे में आ जाइए, कहा था बतिया, ये कहा था बतिया, ये भी तो कहिए, ये लोग समर्थन करता है तो अब कह रहा है कि नीतीश चाचा जी बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, इसीलिए पलटी मारते हैं, लेकिन ये लोग जिस पार्टी को ये लोग समर्थन में बोल रहे हैं उसी पार्टी के एक नेत्री जानती है क्या कहती है, क्या कहती है?
जिसमें से जान जुदा होगी क्या तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। नीतीश कुमार जी को यही अंदाज में बुलाती है भैया, आरजेडी की नेत्री है, अभी 5 दिन पहले का वीडियो है। नीतीश कुमार को गाली नहीं, नहीं, नहीं समर्थन करता गाली दे रहा है, अब पार्टी बुला रहा है कहीं देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, जिसमें से जान जुदा हो जाए कहीं देर ना हो जाए। अरे भैया कैसा समर्थन करता हो जी, आपका आपका नेता बुला रहा है और आप लोग गाली दे रहे हो, बाप रे बाप, घिन आता है लोग, घिन आता है। देखिए 2025 का जो चुनाव होगा वो सबसे बड़ी जो दो पार्टी उभर के किसके किसके बीच में चुनाव होगा जी, किसके किसके बीच में, मतलब आरजेडी जेडीयू बीजेपी नीतीश कुमार जी मंत्री बनेंगे इतना जान लीजिए, लिख के दे रहे हैं बिहार में बाहर है, तेजस्वी यादव कोई अलावा तेजस्वी यादव बनेगा, इससे अलावा कोई नहीं बन सकता। किस आधार पे बताइए, टोटल युवा का है, काम बताइए, युवा का है, युवा के लिए क्या किया है, खाली युवा है, मतलब पूरा बच्चा नहीं है, औरत नहीं है, युवा के लिए क्या किया है, सब कुछ किए, युवा के लिए क्या किया है, आपको नौकरी दिए, नौकरी आपको अधिकार दिए, नौकरी सम्मान किए, नौकरी बुढ़वा को दिया है, सरकार का वैकेंसी लाया बुढ़वा किया, युवा नहीं किया है। अगर अगर युवा के लिए सोचते ना तो कल कंपनी कारखाना लगा देते, नहीं लगे युवा के लिए कुछ नहीं किया, बुढ़वा के लिए, बुढ़वा के लिए मास्टर जितना बना है सब मास्टर बनाए, नहीं अगर इतने दसवीं यादव जी दिए हैं तो काहे नहीं लालू यादव जी से नियुक्ति पत्र बटवा दिए, बटवा देते ना, सुनो क्या बात सुनोगे, सुनो बिल्ली के सामने, बिल्ली के बिल्ली के आगे, रुको बिल्ली के आगे दूध रखिएगा क्या होगा, रखवाला कौन करेगा, बिल्ली के दूध का रखवाला कौन करेगा, दूध का रखवाला कौन करेगी, नहीं नहीं दूध का रखवाला कौन करेगी, आप बताओ, आपके पास ज्ञान, आप टीका लगाए, हम टीका नहीं लगाए, हमें आप बताइए कौन, सुनिए बात विवाद हो रहा है, मेरे टीका जिंदाबाद रहेगा, दूध के रखवाली कौन करेगा, तेजस्वी यादव ने क्या किया है बिहार, अरे सबको पूछिए नहीं, नौकरी मिला रहता तो यहाँ रहता है, पूछिए अगला पूछिए, मैं जो बताऊंगा अगला पूछिए, बच्चा है मेरा दो है, नौकरी मिला, नौकरी क्या, मैं तो अभी युवक हूँ, मैं 41 साल उम्र हुआ है, 41 है, आपके बेटे बेटे को नौकरी ना मिला, अरे मर्दे अभी नौकरी कहाँ से मिलेगी, अभी तो पढ़ा रहे लिखा रहे, अभी कहाँ से होगी, गवा रहा खा रहा पढ़ा रहे, नहीं मिला आपके घर परिवार में कोई ऐसा लड़का जिसको नौकरी है, बहुत के है, तीन गो के, तीनों को नौकरी, हाँ तीनों के, क्या चीज में है, क्या बना है, क्या हाय मेरा, मैं मेरा घर के मेरा माई मुखिया है, मुखिया नौकरी, हाँ सुनो पहले सुनो, सुनो ने आंगनबाड़ी की नौकरी हम दिए, मास्टर को नौकरी हम दिए, मेरी बात सुनो, अरे क्या करोगे, हाँ हम दिए नौकरी, हम दिए, सुनिए हम दिए, मेरा बात सुनिए ना, हम दिए 15 साल गठबंधन का सरकार रहा ना भैया, एक मिनट भैया, आप मतलब नहीं देते हैं, 15 साल रहा ना गठबंधन का सरकार, 15 साल में क्या उखाड़ लिया नीतीश आपका, क्या उखाड़ लिया, जंगल रास्ता इधर मर्डर उधर मर्डर, उधर लड़की उठ रही है, उसकी बेटी घर से निकलने से डरती थी भैया, आज 5 साल से आपका चेहरा बता रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, दोनों था, दोनों था, गठबंधन था ना, सुरक्षित नहीं था, गठबंधन था ना, गठबंधन में क्या उखाड़ लिया था, आज कुछ नहीं उखाड़ा नीतीश, काम हुआ है, काम हुआ है, तेजस्वी यादव खाप महावीर मंदिर में क्रिया, तेजस्वी यादव के राज्य में काम नहीं हुआ है, खाप क्रिया काम नहीं हुआ, खाप महावीर मंदिर में चल के क्रिया के 20 दिसंबर 2028 को तेजस्वी और नीतीश के सरकार में 50,000 करोड़ कंपनी का इन्वेस्टमेंट मीटिंग नहीं हुआ था बिहार में, खाए हम कंपनियां बैठा, नीतीश कुमार बोल दिया मार दिया ना भाई, नीतीश कुमार बोल दिया मार दिया, अभी बिहार को दो ऑप्शन में, सुनिए एक मिनट मेरी बात और सुनिए, आपको पहले मेरी बात और सुनिए, अभी सुनिए, अभी नरेंद्र मोदी जी 60,000 करोड़ रुपया बिहार को दिया ना सरकार, सुनिए अगर सरकार गिर जाएगी ना तो वो काम पैसा बिहार को मिलेगा ही मिलेगा,
सरकार बदल जाने से कुछ नहीं होने वाला, जो मोहर लग गया उस कंपनी को आना ही आना है, पलटी मारने से कुछ नहीं होता है। नहीं नीतीश कुमार अगर पलटी मार भी दिए कंपनी का मोहर लग गया, वो सरकारी था वो प्राइवेट था। बात है ये 15 साल लालू यादव रहे चाहे 15 साल नीतीश कुमार है, सब लूट खसोट के एकदम बराबर कर ले है। युवा वाला कोई कुछ न किया है, कोई नहीं कुछ किया है, खाली लूट खसोट हुआ है। चाहे लालू यादव रहे नीतीश के भाजपा के साथ, नीतीश गए बहुत अच्छा, अलग हुए चोर हो गए। लालू यादव के साथ नीतीश हुए बहुत अच्छा, अलग हुए चोर हो गए। तो एक मतलब का है, मतलब आप फरास्त है कुर्ता पर आज तक कभी दाग देख के करप्शन का कोई दाग? कैसे होगा वो तो सिचुएशन के अनुसार बदल जाना है ना। ये ना सीबीआई के हेड है जिनको पता खाली कि नीतीश कुमार चोर है। अरे भैया जब कुर्ता पे दाग नहीं लगा है, जब कुर्ता पे दाग नहीं लगा है तो हम चोर कैसे बोलेंगे उसको? ये है जांच। इनको चाहिए नौकरी, इनको चाहिए नौकरी, नहीं मिले। सुनिए हमसे डिबेट करेंगे, ये हमसे डिबेट करेंगे, नहीं होता होता है डिबेट, मतलब नहीं पता है डिबेट का मतलब, नहीं पता है। हम भैया के वहां से सहमत है, या तो नीतीश कुमार मूर्ख है या तो बिहार के जनता को मूर्ख समझते हैं। 5% बेरोजगारी है देश में पता है? बेरोजगारी कितना है पता है? बेरोजगारी कितना है पता है? बेरोजगारी कितना है पता है? नीति आयोग की रिपोर्ट पता है? नीति आयोग की रिपोर्ट पता है? अरे नीति आयोग पता है तुमको? नीति आयोग की रिपोर्ट पता है तुमको? बेरोजगारी पता है? अरे नीति आयोग की रिपोर्ट पता है? बेरोजगारी पता है? भुखमरी पता है? अरे उम्र बीत गया है ऐसे ना बुझाता है। अरे ऐसे अरे भैया एक मिनट, आप क्या बोल रहे हैं? आप दारू बंद करवा रहे हैं, एक मिनट भैया सुनिए ना भैया, भैया सुनिए सुनिए। अरे देखिए अनपढ़ जाहिल से डिबेट करना मूर्खता है, ठीक ना? उनको कुछ ना पता है बेरोजगारी का होता है, मतलब क्या बोलते हैं शिक्षा शिक्षा के अथी में क्या है। ठीक ठीक ठीक, आप दारू बंद कर दिए? हाँ, दारू बंद, ठीक है दारू बंद किया। आप रिपोर्ट देखिए कितना लोग बंद है जेल में, कहाँ से मिला दारू, कहाँ से मिला? रियलिटी पूछिए, आपको नहीं पता है दारू मिलता है? हाँ, देश में ड्रग्स भी बंद है, चरस भी बंद है, अब लोग इलीगल तरीका से पी रहे हैं तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? ठीक, अच्छा ये बात बताइए सरकार काहे ला चुना जाता है? सरकार तो काम कर ही रही है। नहीं नहीं, इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं कानून का, कानून का इम्प्लीमेंट आप नहीं कर रहे हैं। आपसे गृह विभाग नहीं संभल रहा है, आपसे पुलिस नहीं संभल रहा है। एक मिनट, आपने दारू बंद करवाया, दारू बिक रहा है, अभी भी बोलिएगा तो यहाँ कितना आदमी, खुद गंजेड़ी चच्चा है वो क्या बोलेगा? बदनाम तो खुद है, स्माइल चलने लगा, मर्डर हो रहा है, सब चीज हो रहा है दारूबंदी के बाद। यहाँ कोई निष्पक्ष बोलने वाला नहीं है, कुछ लोग नीतीश कुमार को सही ठहराएगा, लेकिन ये बात समझ जाइए नेता यही चाहता है कि आप जाति में बतल रही है, धर्म में बतल रही है, बस आप एक साथ कभी मत होइए। हम फलाना जाति के हैं तो फलाना के तरफ रहेंगे, हम चिलाना के हैं तो चिलाना के पास रहेंगे, ठीक ना? यही बात है और कुछ बात नहीं। 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा ये तो समय बताएगा, बाकी आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी ये समय बताएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।